कोई भी योजना सरकारी फाइलों में मकड़ी जाल की तरह किस तरह उलझती है, इसका उदाहरण झारखंड की पहली 8 लेन सड़क है। नगर निगम और स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड के बीच पिछले 6 महीने से बिजली कनेक्शन के शुल्क को लेकर विवाद जारी है। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड का कहना है कि बिजली का कनेक्शन का शुल्क 40 लाख रुपये नगर निगम को देना है, जबकि नगर निगम का कहना है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। इस विवाद के कारण पिछले 6 महीने से 8 लेन सड़क पर लाइट नहीं जल पा रही है। 400 करोड़ रुपए की लागत से 8 लेन सड़क बनकर लगभग तैयार है। 400 करोड़ तो खर्च कर दिए गए, लेकिन 40 लाख की वजह से 20 किलोमीटर की यह 8 लेन सड़क अंधेरे में डूबी है। नतीजा है कि हर तीसरे चौथे दिन दुर्घटनाएं हो रही है। रात के अंधेरे में गाड़ियां पलट जाती है तो लोगों की जान जाती है। धनबाद के गोल बिल्डिंग कतरास के काके मोड़ तक 20 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। सड़क के डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट लगा दी गई, लेकिन अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं लिया गया। 8 लेन सड़क पर 150 स्ट्रीट लाइट लगा दी गई, लेकिन अब तक बिजली कनेक्शन नहीं रहने के कारण अंधेरा छाया हुआ है। इस सड़क को बहुत ही पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन शुरुआती काल से ही इस पर शनि का वक्र दृश्य रही। काम शुरू होते ही रुकते रहे, निर्माण की राशि बढ़ती रही। अब जाकर जब सड़क पूरी हुई तो बिजली कनेक्शन को लेकर दो विभागों के बीच खींचातानी शुरू हो गई। महीनों पहले सड़क के नामकरण को लेकर भाजपा और झामुमो आमने सामने थे। दोनों को जल्दबाजी थी कि उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर सड़क का नामकरण कर दिया जाए, लेकिन इसमें भाजपा पिछड़ गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे निकल गया। लेकिन अब 40 लाख रुपए की वजह से अंधेरे में डूबी हुई है। दुर्घटनाएं हो रही है तो कोई भी चिंता किसी को नहीं है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।